अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग किस तरह एक हार्ड डो को सॉफ्ट करके उसे यूज़ के काबिल बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए ये मेरे पास एक हार्ड डो है, ये हार्ड डो है, इसको मैं अभी सॉफ्ट किस तरह बनाऊंगी। आप लोग इसके लिए पेट्रोलियम जेली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो मुझे मिल नहीं रहा था तो मैं यहाँ पे हेयर ऑयल यूज़ कर रही हूँ कोकोनट का। इसके ऊपर मैंने हेयर ऑयल डाले और इसको मिक्स करें। हेयर ऑयल डाल के इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा हेयर ऑयल डालेंगे, मुझसे थोड़ा ज़्यादा हो गया लेकिन कोई बात नहीं है। आप लोग अगर आपसे ज़्यादा हो जाता है हेयर ऑयल, बेबी ऑयल भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपसे ज़्यादा हो जाता है तो आप लोग टिश्यू पेपर की मदद से उसको इजीली एक्स्ट्रा ऑयल हटा सकते हैं। इस तरह आपको बहुत ज़्यादा मसलना पड़ेगा इसे। ये देखिए, तकरीबन 5 मिनट मसलने के बाद ये मेरे पास आ गया। इसमें मैं अब कलर डालूंगी, मेरे पास वायलेट कलर है, ओमेगा तो कोबाल्ट वायलेट कलर, ठीक है। आप लोग इसमें कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये ओमेगा का पोस्टर कलर यूज़ कर रही हूँ, कोबाल्ट कलर का। बस थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है आपको। ये देखिए, तक मिक्स करने के बाद हमारे पास ये कलर आ गया। मुझे थोड़ा लाइट कलर चाहिए था। और आपको एक बात बताती चलूँ कि होममेड क्ले पे कोई सा भी कलर आप लोग लगाओगे तो वो कलर बाद में सूखने के बाद कलर डार्क हो जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा लाइट कलर बनाया है इसका, ठीक है। ये हमारी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।